नमस्कार, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। करीब 50 दिन हो गए हैं और किसान जो हैं वो आंदोलन अपना जारी रखे हुए हैं। मांग सिर्फ एक ही है, जो 3 कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए। तो आज लोहड़ी का पर्व भी है और इस पर्व में किसानों ने ये आग जलाई हुई है और इस आग में जो 3 नए कृषि कानून हैं उन्हें भी जलाया है बड़ी संख्या में। कड़ाके की ठंड है और किसानों का जो जोश है वो देखने लायक है। तो हम किसानों से जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है, लेकिन किसान उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो किसान क्या सोचते हैं और किसानों का क्या कहना है, यही हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की जो नीयत है वो कहीं से भी साफ नहीं लग रही है। पहले जो बिल लेके आए तब ये लेके आए कि ना किसी से विपक्ष से पूछा ना किसान से पूछा, उसमें सारे के सारे बस ये बता दिया कि हमने बहुत पहले से जो कांग्रेस लेके बोल रहे जो कांग्रेस लेके आई है वो बिल लेके आए हैं। अगर कांग्रेस लेके आती मैदान पे तो उसका भी यही हाल होता जो आज इनका हो रहा है। और अब जो सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने खाली यूज़ किया है, बाकी बस यहाँ से किसान उठ जाएंगे, सिवाय उनका दिखावा किया है एक तरीके से कि सुप्रीम कोर्ट का यूज़ किया है। और जो उनकी नीयत में साफ होता तो जो लोग उन्होंने 4 आदमी इसमें लिए हैं बिल मतलब कमेटी बनाई है वो सारे के सारे वो लोग हैं जो उनकी मतलब जो चाहते हैं फेवर में कि ये किसान कानून जो है वो लागू हो। तो उनकी नीयत तो हर जगह पता चल रहा है, जैसे पता चल रहा है कि बार बार वो चाहते हैं कि ये हर बार बुलाते हैं, एक ही बार 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 रिपीट करते हैं कि उसकी अच्छाई बनाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं देखते कि ना जाके पता करें ना कि पहले उसमें विरोध क्या हो रहा है, उसके बारे में हर एक स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है। और ऐसे कानून क्या ऐसा कोई है कि अगर मेरी मतलब ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई समस्या और मैं SDM के पास या DM के पास जाऊँ सुनेगा? वो वैसे ही अगर आप किसी के पास जा रहे हैं मिलने के लिए वही नहीं बात करते हैं। तो अगर इतनी होंगी उनके पास में इतनी प्रॉब्लम है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, कहाँ सुनेंगे किसान की? वो ऑलरेडी नहीं सुनते। तो अड़ियल कौन है, सरकार या किसान? सरकार अड़ियल है, सरकार का रवैया अड़ियल है बहुत ज़्यादा। जैसे 4 सदस्यीय कमेटी का जो गठन किया गया है, अब किसान कह रहे हैं कि हम बात नहीं करेंगे। नहीं, उनसे क्यों करेंगे हम, वो कोर्ट ने कराया हम वहाँ क्यों जाएंगे? कमेटी का बात करने का फायदा क्या है? लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो फेवर कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं उन्हीं लोगों से बार बार बात, जो पहले गवर्नमेंट के लोग बात कर रहे थे, 10 मीटिंग ऑलरेडी हुई है, गृह मंत्री हुई है, वही बात तो वो करेंगे। एजेंट है बीजेपी के जो उनसे मैं जा रहे हैं, मुझे उन्होंने भी पता कौन कौन सा। एक तो ठाकुर पूरन सिंह है जो वहाँ बैठा चिल्ला बॉर्डर पर, उसके 100 आदमी नहीं वहाँ, वो एक तो समर्थन कर रहा वो, क्योंकि राजनाथ भी राजपूत है और वो सुनो भाई वो भी राजपूत है, वहाँ चल रहा जातिवाद। सच्चाई में बताऊँगा थरता किसानों की साथ हो रहा धोखा, सरकार के सोच रही नहीं कुछ भी पता। इब देश के युवा आगे और सरकार आपसे एक चेतावनी है, अगर किसानों पर गोली चला दी ना 26 जनवरी में शहीद भगत सिंह और झांसी की रेणा पैदा हो गए जाएंगे इस देश में, चाहे तो ये बिल वापस कर ले और MSP पे कानूनी गारंटी बना दे। और 26 तारीख ना किसान झंडा लगा कर जाएगा और लाठी डंडों के साथ और राष्ट्रगान गाएगा, हम देखेंगे तुम खालिस्तान नहीं बताओ और राष्ट्रद्रोह, किस पर केस मुकदमा दायर होगा। बिना मुकदमे की तो तहरीक लग रही जी मेरे पे, आज तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं। अगर हम सरकार का वो प्रस्ताव ठुकरा दें हम तो सम्मान ही तो दे रहे, क्योंकि सरकार है भाई, सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर भी इसलिए नहीं मानते हम, मान्य न्यायपालिका है हमारे देश की। जब हमारा 14 दिन में गन्ने का पेमिट ब्याज सहित हुआ है, जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानती, किसान कैसे मान लेगा? क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? जो कह रहे हैं किसान इनका हित के बारे में सोचे, ये इतनी पब्लिक पड़ी है रोड पे। नहीं, आपको लगता क्या है कि बात कैसे बनेगी, क्योंकि 4 सदस्यीय कमेटी से हम बात नहीं करेंगे और आगे फिर हर जगह सवाल। अगर ये बिल इतने ही ठीक है तो इन्हें समझा दो भाई, किसानों को समझा दो, ये चले जाएंगे। अगर सरकार को लगता है ये बिल बिल्कुल ठीक है, दुगनी आय हो जाएगी इनकी, इनको आके समझा दो यहाँ पे उनका प्रवक्ता। अगर नहीं समझा पा रहा तो इसमें विफल कौन हो रहा है, सरकार ही तो हो रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी गलती है। अगर ये बिल इतने ही अच्छे हैं, सब चीज़ इतनी अच्छी है किसानों के लिए, तो इनको फायदे समझा दो या ये नुकसान समझा देते हैं इनके। तो आपके हाथ में चोट लगी फिर भी आप यहाँ आए, कहाँ से आए? मैं बरेली से आया हूँ, बरेली से आए किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो ये चोट लगी है, अभी तो घर रहने की आराम करने की ज़रूरत है। सर घर में तो बाद में भी रह लेंगे, सबसे मेन तो ये बात है, अगर आज हम घर पर रहते हैं तो पता नहीं कल हम क्या होगा हमारे साथ। आपको क्या लगता है कैसे बात बनेगी? सर बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार का कोई भी परिंदा यहाँ बात करने के लिए आया नहीं है। कोई आके हमें समझा दे कि हमारे फ़ायदे क्या हैं, जैसे भैया ने भी कहा, कोई आके समझा दे, कोई भी एक उनका आके समझा। उन्होंने 4 जो लोग की जो एक वो बनाई कमेटी,
वो चारों वो लोग हैं जो इसको बिल्कुल बिल्कुल पहले से लाने के लिए थे, और वो चारों चारों वही हैं। एक आपके गुलाटी जी हो गए, दूसरा आपके जोशी जी, और एक पीके करके कोई है जी, हाँ हाँ एक ही हो गए। ये चार लोग हैं, ये पहले से ही वो लोग हैं जो बिल्कुल पहले बिल इन शॉर्ट बनाए हुए ही नहीं गए है। अगर देखा जाए तो इन्हीं की कमेटी ही बनाई गई है। चार सदस्य कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन यहाँ जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, उन्हें विश्वास नहीं है उन पर। और लोगों से हम बात करेंगे, क्या सोचते हैं किस बारे में? ये चार कमेटी सदस्य जो चार सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है उस पर सवाल कर रहे हैं कि मतलब हमें विश्वास नहीं। एक कमेटी बनाए, कमेटी भी तो ये बात करेगी, उससे अब कर लें, अब करने में क्या दिक्कत सरकार को, अब करें ना। नहीं, सरकार अपना पक्ष रखेगी तो हम अपना पक्ष अब रख तो रहे हैं, हमने पक्ष रखा है ना, सरकार अपना रख रही है, अब करे। कमेटी में करनी कोई बात, अब करे। तो आपको क्या लगता है बात ये तो भाई टालने वाली बात हुई, वो तो कमेटी बना लो, बट टालते रहेगी, तरीक पड़ती रहेगी, चलता रहेगा, किसान घर चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। किसान इसलिए बैठा हुआ है ठंड में, ऐसे नहीं जाएगा किसान जब तक ये वापस नहीं होंगे। तो गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, यहाँ हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, बड़ी तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। मांग सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से जो तीन नए कृषि कानून हैं उन्हें वापस लिया जाए।